बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम लोग इल्मुल हदीस में पिछले लेक्चर में हमने इनकम, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट पे हमारी पूरी बात चली थी और आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स एंड बिगेस्ट सिंस इंसान के क्या होते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किए हैं जो, तो इसकी हम इंशाल्लाह ये अभी हम इसकी डिस्कशन करते हैं। तो याद होगा पिछले लेक्चर्स में हमने इल्मुल हदीस का तारुफ और इसकी स्टडीज़ हमारी मेथड क्या है इसकी पूरी हम पहले लेक्चर में किए थे और पिछले लेक्चर में भी हमने ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट पे हमारी बात चली थी। तो आज हम ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, तो इसके लिए याद होगा पिछले लेक्चर में हमने ये देखी थी कि जिसमें इंसान अगर कोई पौधा लगाएगा तो इससे जो लोग भी और जो जानवर भी खाएंगे इनको बेनिफिट मिल जाता है और फिर आप जो एफर्ट करते हैं इसमें भी आता है और फिर मजीद आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि और क्या क्या इंसान को फायदा होता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहुन्हुमा से रिवायत थी जो हमने लास्ट टाइम की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, बस इस पर जुल्म ना करें और ना ही जुल्म होने दें। जो शख्स अपने भाई की जरूरत पूरी करे अल्लाह ताला इसकी जरूरत पूरी करेगा। जो शख्स किसी मुसलमान की एक मुसीबत को दूर करेगा अल्लाह ताला इसको क्यामत की मुसीबतों में से एक बड़ी मुसीबत को भी दूर कर देगा। और जो शख्स किसी मुसलमान की कोई कमजोरी को छुपाएगा तो अल्लाह ताला आपको क्यामत में इसकी कमजोरी या गुनाह को छुपा देगा। ये बेनिफिट है, यानी इसमें अपने भाइयों बहनों के लिए जो जो बेनिफिट आप दे सकते हैं वो दें। ये था। अब आइए आगे अगली हदीस देखते हैं। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से सुनाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात चीज़ों का इरशाद फरमाया और सात ही चीज़ों से मना फरमाया। जिन चीज़ों का हुक्म फरमाया इनमें उन्होंने मरीज की इयादत करना, जनाजे के पीछे जाना, छींकने वाले का जवाब देना, सलाम का जवाब देना, मजलूम की मदद करना और दावत करने वाले की दावत को कबूल करना और कसम पूरी करने का जिक्र फरमाया था। अब ये क्या है, यानी देखिए ये जिन चीज़ों पे ज़्यादा, सात चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया था। कोई मरीज है आपके, कोई भी दोस्त कोलीग्स जानने वाले जो भी हों, तो जो बीमार हों उसकी आदत ज़रूर किया करें, ये आपको इसका बेनिफिट मिल जाना। इस दुनिया में भी कभी अल्लाह दे देता और आखिरत में तो कन्फर्म है। जनाजा आप के पड़ोसियों, दोस्तों, कुलीग्स हों, कोई भी हों, उनके फौत हुए हों तो आप उसके जनाजे में ज़रूर जाएं। और छींकने वाले का जवाब ये सुन्नत का हिस्सा है कि अगर उनको छींक आई तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो आप फौरन कहिए यरहमकुल्लाह, यानी अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए, ये इसका मतलब है। तो ये सुन्नत का हिस्सा ये कर दिया, लाजमी करना। इसी तरह कोई सलाम करे तो जवाब लाजमी देना है, खामोश नहीं रहना, जरूर सलाम का जवाब देना। कोई मजलूम हो जिस पे कोई जुल्म हुआ तो आपने उसकी मदद जितना आपके बस में हो, जितनी ताकत हो इतना कर ले। और कोई आपको दावत के लिए कहे कि भाई आप प्लीज आए घर पे हमारे यहाँ, आप प्लीज बैठे तशरीफ लाएं, खाना खाएं या जो भी करना चाह रहे हैं तो आप जरूर जाए, कबूल करें। और कसम अगर आपने पूरी की है, कोई अपने अल्लाह की कसम अगर खा ली है तो फिर उस पर अमल भी करें लाजमी। तो इस पर ज्यादा फोकस है। अच्छा, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ एक इमारत की तरह कि एक को दूसरे से कुव्वत पहुंचती है और आपने अपनी एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों के अंदर कर दिया। यानी वही जो आप सुनते हैं ना एक और एक ग्यारह होते हैं, तो ये वो बात है। यानी कि एक अहले ईमान आप अपने भाई, दोस्त, बहन जिनसे भी ताल्लुक होता है तो उससे आप मजबूत हो जाते हैं
और इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली लोगों को दिखाने के लिए फिर अपनी उंगलियों से एग्जांपल इनको करके दिखाते थे कि उंगलियों को ऐसे इकट्ठी करके दिखा दी। तो आप करके देख लीजिए अपना। तो जनाब ये है आपके लिए बेनिफिट। तो जरूर करें कि एक दूसरे की जो हेल्प आप कर सकते हैं तो वो जरूर एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे से अच्छा ताल्लुक पैदा करना है आपने। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली हदीस में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब हकूमती जिम्मेदारी बनाकर यमन भेजा था तो आपने इन्हें हिदायत फरमाई कि मजलूम की बदुआ से डरते रहिएगा कि इसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। आप एक हदीस तो पहले आप सुन ही चुके होंगे इल्मुल फिका में कि इनसे मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु को हकूमती रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यमन में भेजा था। उन्हें कंसल्टेंट के तौर पे ही लगता है कि गए थे ताकि वहाँ के लोगों के फैसले और जज के तौर पे वो इनके मसले हल करें। तो आपने फरमाया मजलूम की बदुआ से डरना भाई, ये ना हो कि मजलूम के साथ कोई आप ज्यादा कर बैठे हो। और मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस पर अमल भी किया। से सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जिसने किसी की जमीन जुल्म से ले ली इसे क्यामत के दिन 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। अब तौक क्या था? ये पहले जमाने की एक टेक्निक होती थी एक सदा की, कि तौक वो ऐसा होता था कि आपकी गर्दन में ऐसे बांध देते थे कि अब आप कहीं झुक भी नहीं सकते थे। तो इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किसी की जमीन पे कब्जा किया तो फिर ये रिजल्ट होगा आप कि 7 जमीनों जैसा बड़ा तौक आपको उसमें फंसाया जाएगा, आपको फिर भुगत ले। अनफॉर्चुनेटली हमारे जमाने में आपने सुना होगा कि मजहबी लोगों ने भी ये हरकतें ऐसी की हैं कि मसलन कोई बेवा खातून का देखा कि भी उनका कोई प्लॉट है उस पर कब्जा करके मस्जिद बना देते हैं और जी ये तो मस्जिद है जी, इसको तो कोई नहीं तब्दील कर सकता, और वो उस बेचारी खातून का पूरा जुल्म जो है उन पे हो जाता है। ऐसे ही बहुत से केस स्टडीज आज भी देख सकते हैं और मैंने पिछले फिका के लेक्चर्स में कुछ और बहुत सी एग्जांपल्स आपसे शेयर की थी। और अभी आप अगर पढ़ना चाहें तो अभी जैसे बाइबल में वो इंजील की 4 बुक्स हैं, ये इंजील नहीं है, ये असल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री है। तो उस हिस्ट्री के अंदर जहां जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इरशाद होते हैं वो अल्लाह ताला का हुक्म होता है, इंजील वो है। तो इसको पढ़ें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज्यादा फोकस वो था कि बनी इसराइल के स्कॉलर्स इस पे उन्होंने बात की और ये उनको तफसील से बताया कि भाई देखे हमारे यहाँ ये गलतियां हैं, इससे बचना है। और उसमें आपने ये आप ज़कात के लेक्चर में आप सुन चुके होंगे, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भी आप ज़कात पे उसकी कैलकुलेशन में इतनी एहतियात करते हैं कि एक एक जो है ना वो बहुत माइनर सा एक पत्ता जो है ना उसको भी आप पूरा कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बेवा ख्वातीन के घरों पे कब्जा करने में आप कोई उस पर परवाह भी नहीं करते, ये तो करें ना भाई। तो जरा इमेजिन करें इस तरह की हरकतें थी हमारे यहाँ भी आजकल भी आपको नजर आएंगी। अब सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की यहाँ सबसे ज्यादा नापसंदीदा वो आदमी है जो सख्त झगड़ालू आदमी हो। अब झगड़ालू कौन लोग होते हैं कि वो जनाब लोगों से सख्ती से एक दूसरे पे जनाब एतराज और वो करते, अगर तो अगले की कोई गलती है तो आप उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले के नाम पे फोकस नहीं करते थे बल्कि अपने लेक्चर में बताते कि भाई हमारे यहाँ ये भी गलती ऐसी होती है, इसे हमें बचना। तो जिन साहब को से गलती होती थी तो उनको समझ आ जाती थी तो वो रुक जाते थे। तो भाई ऐसे करें ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे मुनाजरे इस तरह से बनने लगे कि लोग
एक मौलवी साहब दूसरे मौलवी साहब पे फतवा लगा के, कुफर का फतवा लगा के और जहन्नम तक वासिल करने की कोशिश करते रहते। अच्छा, ये पहला था। आजकल यही टेक्निक लोगों ने YouTube और Facebook में ये कर दी है। तो मेरे भाई, अगर मैंने ये हरकत की है, मुझे प्लीज़ बता दें, मैं बच जाऊँ इससे। और अगर आपने से ये कोई ऐसी गलती हुई, इसको डिलीट कर लें प्लीज़। भी किसी के नाम पे टारगेट ना करें। और मैं अपने लिए भी वर्ज करता हूँ, मुझ पर भी हुक्म यही है। तो अगर मुझसे भी मैंने नहीं ये झगड़ालू बनो और मैंने ये हरकत की है, प्लीज़ मुझे बता दें, मैं भी डिलीट करने को तैयार हूँ। अगली हदीस देखिए, अबू हुरैरा रضي अल्लाह तआला से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अपने पड़ोसी को अपने दीवार में खूंटी गाड़ने से ना रोके। यानी ये होता ना कि खूंटी एक छोटी सी, मसलन आपने अपनी घड़ी फिट करनी है ना, तो उसमें हुआ। तो अब जाहिर है कि दीवार जब अच्छी बड़ी चौड़ी होती है, मोटी होती है आपके यहाँ और पड़ोसी के भी, तो भी आप अगर उसमें कोई खूंटी करेंगे तो अपने पड़ोसी की दीवार टूटेगी नहीं। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोका कि भाई अपने पड़ोसी अगर कुछ इसमें कुछ खूंटी गाड़ने लगे तो प्लीज़ इसे ना रोके। हाँ, ये कन्फर्म है कि अगर कोई ऐसी बड़ी सी कोई उसमें लगा रहे हैं कि जिससे आपकी दीवार टूट सकती है, फिर आप रोकें, फिर आप कर सकते हैं, आपका हक है। लेकिन जो कोई माइनर चीजें, इनको इग्नोर करें। अबू सईद खदरी रضي अल्लाह तआला बड़े साहबी हैं और वो ज्यादातर माइनस चीजों पे उन्होंने ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को तफसील से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्तों पर बैठने से बच जाइए। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, जी हम तो वहां बैठने पे मजबूर हैं क्योंकि वही हमारे बैठने की जगह यही होती है, यहीं पे हम बातें कर सकते हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर वहाँ बैठने की मजबूरी भी है तो रास्ते का हक भी अदा कीजिए। साहबा ने अर्ज किया, जी रास्ते का हक क्या? आपने फरमाया, निगाह नीची रखना, किसी की तकलीफ देने से बचना, सलाम का जवाब देना, अच्छी बातों के लिए लोगों की तलकीन करना और बुरे कामों से रोकना। ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी आप ये देखिए ना कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में ज़ाहिर है कि छोटी छोटी गली होती होंगी, वहीं से लोग आते जाते होंगे। अब अगर बातचीत करनी है तो उसके लिए खड़े हो जाते होंगे, या ज़्यादा अगर लंबी बात करनी है बैठते, क्योंकि अगले के घर में बैठना वो मुश्किल होगा ना, छोटे घर होंगे तो इसलिए उनको मुश्किल थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोका, उन्होंने बताया, जी मजबूरी है और कोई जगह नहीं हमें, तो इसी में बात हम करते हैं। तो आपने फरमाया, फिर इन पांच चीज़ों का एहतियात आप करें। एक तो निगाह नीचे रखें ताकि ख्वातीन गुजरें तो आपकी निगाह नीचे ही रहे, उधर ना जाए, और किसी को तकलीफ ना दें। सलाम, कोई अगर आपको सलाम करते जा रहा है, वालेकुम सलाम का जवाब भी दें, ये सुन्नत का हिस्सा। और चौथी बातें ये कि लोगों की तलकीन करें कि आप अपने दोस्त जिसके साथ आप मिल रहे हैं, बातचीत करें, इनको नेकी की बात ही, अच्छी बात ही उनसे करें, और बुरे काम जो भी हैं तो उसका कोई, ये भी हमारे यहाँ ये भी गलत होता है मामला, इससे बचें। तो बस जनाब, ये हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। एक और हदीस में अब नेगेटिव चीज़ों पे भी हम देखते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रضي अल्लाह अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार खसलतें ऐसी हैं कि जिस शख्स में भी होंगे तो वो मुनाफिक है, और इन चार में से अगर कोई एक खसलत भी इसमें से है तो फिर निफाक की एक आदत है, यहाँ तक कि वो खुद इसे छोड़ दे। अब ये चार है, ये हदीस पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या कि जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो पूरा ना करे, मुआहदा करे तो बेवफाई करे, और जब बहस करे तो बदजुबानी पर उतर आए, यानी नेगेटिव एटीट्यूड से बात करना। तो जनाब, चारों पे मैं अपने आप को मैच करता हूँ कि इसमें से कोई गलत हरकत कभी ज़िंदगी में हुई है तो मैं अभी तौबा करता हूँ, और जिस भाई से भी अगर कभी ज़्यादती हुई है मुझसे तो मैं उनसे माफ़ी करता हूँ। मैं अब YouTube से भी के ज़रिए ही सबसे
कर रहा हूँ और आपसे भी यही सजेशन करता हूँ कि अपने पूरे अमल की आप चेक कर लीजिए कि अगर इसमें से कोई एक आदत भी बनी तो फिर 25% मुनाफिक हो गया बंदा, दो हो गई तो 50%, 75% या 100% मुनाफिक हम में से कोई भी हो सकते हैं। लेकिन प्लीज़ हमारे यहाँ गलती यही होती है कि हम दूसरों की नेगेटिव चीज़ों को बहुत नोट करते हैं, अपनियों को नहीं हम नोट करते। लेकिन अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया, अपने आप को आप चेक करें, दूसरे को ना चेक करें, उसका मामला अल्लाह ताला के हुजूर। अगली हदीस अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि एक शख्स दूसरे की तारीफ कर रहा है और मुबालगा से काम, मतलब मुबालगा से ये पूरी बात कह रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, भाई आपने इस शख्स को हलाक कर दिया है, बल्कि इसकी पुश्त जो है तोड़ दी आपने। यानी उसकी कैसे पुश्त तोड़ दी, यानी वजह उसकी यही लगती है कि भी अगले की इतनी मुबालगे के साथ तारीफ करना, तो अगला हो सकता है कि वो तकब्बुर में आ जाए ना बंदा। एक और हदीस में यह नस रदी अल्लाह तआला से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कबीरा गुनाह कौन से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, माँ बाप की नाफरमानी करना, किसी की जान लेना, झूठी गवाही देना, ये चारों इतने बड़े गुनाह हैं। तो आप सोच लें, यानी एक तो शिर्क, माँ बाप के साथ नाफरमानी, नाफरमानी से मुराद ये कि उनके साथ बेइज्जती करना, हकूक, हकूक वो होती है कि बेइज्जत। एक तो होता है ना कि पेरेंट्स ने कोई आपको मशवरा दिया आप नहीं मान सके, तो वो नहीं है, यानी यहाँ इसका मतलब है कि उनके साथ बेइज्जती करना, ये वो है। अगले इंसान को कत्ल करना और फिर झूठी गवाही, ये अदालत में लोग हरकत करते रहते हैं, तो ये एक बड़े टॉप के गुनाह है। इसके लिए कुरान मजीद में आइए और वहाँ पे ये तौरात के अहकाम हैं, जो 10 कमांडमेंट्स सब कहते हैं, भी आप 10 कमांडमेंट्स में आप सर्च करें आप गूगल में ही, तो आपको तौरात के वही 10 कमांडमेंट्स आ जाएंगे। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वही इरशाद कुरान मजीद में भी वही कर दिया कि अल्लाह ताला का हुक्म यही है। तो मैं अर्ज करता हूँ, इसकी तिलावत मैं शुरू में कर लेता हूँ और बाकी का तर्जुमा मैं आपके सामने करता हूँ, बाकी आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला यजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतक़ऊदा मज़मूमम मखज़ूला वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिं वला तनहरहुमा वकुल लहा कौलन करीमा फ़ख़्फ़िद लहुमा जनाहा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमती वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا। अब आखिरत की कामयाबी का तरीका कार ये है, ये अल्लाह ताला ने बताया कुरान में, अल्लाह के सिवा आप किसी दूसरे को खुदा ना बना लीजिएगा, क्योंकि रोज़े क़यामत मलामत ज़दा और वे यारो मददगार बैठे रह जाएंगे। आपके रब ने फैसला कर दिया है कि आप लोग तन्हा उसी रब की इबादत करते रहिए, यह पहला हुक्म है। दूसरा हुक्म फरमाया कि माँ बाप के साथ निहायत अच्छा सलूक करते जाइए, इनमें से कोई एक या दोनों अगर आपके सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो ना उनकी बदतमीजी में उफ ना कहिएगा और ना इनकी झड़क कर जवाब ना दीजिएगा, आप इनसे अदब के साथ बात कीजिएगा। तो ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जो रुका गया तो ये वो ये उफ उफ, ये अरबी में उफ एक बदतमीजी का एक स्टाइल अरब में था, इसको रुका गया।
कि ये ना करो और झड़क कर जवाब भी ना दो, बल्कि आप अगर अब्बा जी से या अम्मा जी से अगर इख्तलाफ भी है तो आप अदब के साथ, आजी के साथ वो बात कहें। फिर मजीद फरमाए, इनके लिए नरमी से आजी के बाजू झुकाए रखिएगा और दुआ करते रहिएगा कि ऐ रब इन पर रहम फरमा दीजिए जिस तरह इन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला है। लोगों, आपके दिलों में जो कुछ है इसे आपका रब खूब जानता है और आप सआदतमंद रहेंगे तो पलट कर आने वालों के लिए वो बड़ा दरगुजर फरमाने वाला है। तो भी ये देखिए कि जो भी हमारे दिल में, दिल से मुराद यानी ब्रेन, जिसमें आप हम सोचते और वो मामलात है, यानी ये अरबी में इससे नुफूसिकुम, यानी आपके दिल की ये जो बात, ये वही होती है कि जो जज्बात से इंसान जब बोलता है तो ये वो है, और आपका डेटाबेस तो आपके ब्रेन में होता है ना, तो इसमें अल्लाह ताला इसका एक एक सेकंड, सेकंड से भी कम को आप कर लें तो उसको भी अल्लाह ताला पूरा नोट कर रहा है, तो इसलिए याद रखें। और ये फरमाया गया कि पेरेंट्स के लिए आप दुआ करते रहा करें, जितनी जो दुआ भी आपको याद है वो करते जाया करें। अब देखें, ये इतनी मुख्तसर सी इसी कुरान में फरमाया, रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, क्या अल्लाह मेरे पेरेंट्स पे बहुत रहम फरमा कि इन्होंने बचपन में, मेरे बचपन में इन्होंने मुझ पे पाला था और बड़ी उन्होंने मेरी शफकत इन्होंने की थी, तो ये आप कर दें। बस ये दुआ अपने पेरेंट्स के लिए आप करते रहा करें, चाहे वो पेरेंट्स जिंदा है तब भी करें, उनकी वफात के बाद भी करें। अब अगली आयात का मैं तर्जुमा अर्ज करता हूँ। तीसरा पॉइंट है कि आप रिश्तेदारों को इसका हक दीजिएगा और इसके साथ मिस्कीन और मुसाफिर को भी, और माल को बेजा ना उड़ाइएगा, कि अल्लाह ताला जो कुछ आपको कैश एसेट्स जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया है इससे आप अपने रिश्तेदारों को भी दें। मिस्कीन से मुराद ये नहीं कि जो मांगने वाले आए वो नहीं, वो तो उनका तो कैरियर यही है ना, यानी जो आपके भी जानने वाले दोस्त जिनको आप जानते हैं तो वो मुश्किलात में होते हैं, जो भी जिसमें भी कोई मुश्किलात आए तो आपने कैश या जो एसेट आपके हाथ में आपने उनकी खिदमत में अर्ज कर देना आजी के साथ। और मुसाफिर का भी फरमाया गया, क्योंकि मुसाफिर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और पहले ज़मानों में ये मुश्किल थी कि हर आदमी फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होता था, तो ये हमारे यहाँ बड़ा अच्छा पंजाब का कल्चर भी ये रहा कि जो मुसाफिर किसी सफ़र में आए हैं और उस ज़माने में ज़ाहिर घोड़े या गधे उसके जरिए आए हैं, अब इनको कोई और जगह कोई होटल नहीं अवेलेबल, कहाँ सोएं, तो उनको लोग अपने घरों में ही सुलाते रहे, तो ये एक नेकी है जिसका हुक्म अल्लाह ने बताया। चौथा बताया इसलिए कि माल को बेजा उड़ाने वाले शैतानों के भाई होते हैं और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुकरा है, यानी फाइनेंशियली अल्लाह ने जो दिया है इसको जरूरत है उसमें अपनी इस्तेमाल करें, जिसमें जरूरत ही नहीं है उसको जो आप कैश में लगा रहे हैं तो ये आप पे शैतान का काम है। अगर इन जरूरतमंदों से मजबूरन एराज करना भी पड़े आपको, इसलिए कि अभी आप अपने रब की रहमत यानी इनकम के इंतजार में आप हैं, तो जिसकी आपको उम्मीद है तो इनसे नरमी की बात कीजिएगा, अपना हाथ ना गर्दन से बांधे रखिएगा और ना इसको बिल्कुल खुला छोड़ दीजिएगा कि मुलामत ज्यादा और बेइज्जत होकर बैठे रहे। बेशक आपका रब जिसके लिए चाहता है रिस्क खुला कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग भी कर देता है, वो अपने बंदों से यकीनन बखबर है और वो अब वो इन्हें देख भी रहा है। अच्छा, ये आप देखें कि अल्लाह ताला फाइनेंशियली कभी ज्यादा मिलता है कभी कम होता है, ये हर इंसान का ऐसा ही होता है, यानी कभी आपको बड़ी अच्छी सैलरी या बोनस या आपको मिल जाता है या कभी इनकम आपको ज्यादा आ जाती है, प्रॉफिट ज्यादा आ जाता है और कभी कम भी होता है, ये हर इंसान के साथ ऐसे ही हो रहा होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ये हमारा इम्तिहान कर रहा है कि यार जब अल्लाह ताला ज्यादा दे रहा है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, और जब कम किया तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यानी हमें क्या करना है कि अल्लाह ताला जब ज्यादा इनकम दे तो उस वक्त आप जाया ना करें, बल्कि अपने भाई बहनों अपने
कोलीग्स, दोस्त जो भी मुश्किलात में, उन सब की हेल्प करें। और जब ना हो आपके, और इससे ये भी एक यही पता चला कि हाथ गर्दन से बांधे में नहीं, यानी छुपा के वो भी ना रखें, कुछ खर्च करें लेकिन ज्यादा भी खर्च ना करें, बीच में ही रखें मामला, ताकि कुछ न कुछ आपको एक तरह का आप कह लीजिए कि कुछ फंड आपको रहे, ताकि जब मुश्किलात आए, जब आपका प्रॉफिट लॉस की शक्ल बन जाए तो तब आप उसको यूज कर सके। तो ये तरीका मैं बता दिया अल्लाह ताला ने, ये फाइनेंशियल पॉलिसी अल्लाह ताला ने बता दी आपको। अब अगली आयत में देखते हैं, फिर पांचवा पॉइंट फरमाया, आप लोग अपनी औलाद को मुफलिसी के अंदेशे से कत्ल ना कर दीजिएगा, हम इन्हें भी रिस्क देते हैं और आपको भी, इनका कत्ल यकीनन बहुत बड़ा जुर्म है। आप कहें जी कौन अपने बच्चे को कत्ल करता है, ये पहले जमाने के लोग ये हरकत करते थे कि जब वो फाइनेंशियल मुश्किलात होती तो अब उस जमाने में उनका और कोई तरीका नहीं होता था, तो अब जना फिर भी बच्चा पैदा हुआ उसको इसलिए मार देते थे कि इससे, और बेटियों को ज्यादा ये कर लेते थे, ये कि इनकी अपनी तरफ से गैरत की अना के तौर पर भी बच्चों को मारते थे, तो अल्लाह ताला ने इसे रोका। और छठा पॉइंट ये है कि जो हमारे साथ भी होता है, बदकारी के करीब ना जाइएगा, इसलिए कि वो कुल्ली बेहयाई और बहुत बुरी राह है। अल्लाह ताला ने जिस जान की हुरमत कायम कर रखी है, इसे नाहक कत्ल ना कीजिएगा, और याद रखिए कि वो मजलूमाना कत्ल किया जाए इसकी वली को हमने इख्तियार दे दिया, सो वो कत्ल में हद से तजावुज ना करे, इसलिए कि इसकी अदालत के जरिए मदद की जाएगी। अब ये जो कत्ल की बात है, ये वही वो जो नंबर 5 में था ना, अपने बच्चों को नहीं करना और किसी और को भी कत्ल नहीं करना, और मजलूमन यानी किसी ने जुल्म किया, हम फौत हुए तो अल्लाह ताला ने ये अथॉरिटी दे दी है उस मजलूम की फैमिली को, और इसके साथ अब हुकूमत को भी दे दी कि वो फिर कातिल को कत्ल करें, ताकि ये जुर्म ना हो। और ये बदकारी से रोका गया कि खुली बेहयाई हो तो बहुत ही बुरी चीज़ है, यानी खुली बेहयाई वो होगी कि बिल्कुल जनाब खुले तरीके से कुछ न कुछ सेक्सुअल हरकत करना, तो ये हुआ। और मजीद आजकल के ज़माने में आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बेहयाई लिबास ऐसे यूज़ करना कि जनाब लोगों को मोटिवेट करना कि वो सेक्स की तरफ आए, तो लोग ये हरकतें भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने रोकी इसे। सातवां पॉइंट फरमाया कि अब यतीम के माल के करीब तक ना जाइएगा, हम अगर अच्छे तरीके से संभालने के लिए रखें, यहाँ तक कि वो यतीम अपनी पुख्तगी को पहुँच जाए, तो इसे वापस दे दीजिएगा, मुआहदे को पूरा ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि मुआहदे के बारे में आपसे इस दुनिया और आखिरत में पूछा जाएगा आपसे, यानी इस दुनिया में तो सजा ये बनती है कि अगर यतीम का मगर कुछ खा पी बैठे खुद ही, कैश हो या कोई और एसेट हो, तो इस दुनिया में सजा तो ये मिलती है कि हम जलील हो जाते हैं, और आखिरत में तो और जूते जो अल्लाह ताला की तरफ से वो आने हैं, और उसके साथ साथ फिर ये भी होगा कि जिस यतीम या किसी भी और इंसान के माल को हमने इस्तेमाल अगर कर लिया उनकी इजाज़त के बगैर, तो फिर तो ये होगा कि अपनी नेकियां उसको देनी पड़ेंगी, और अपनी नेकियां ख़त्म हो गई, जीरो हो गई, तो अगले का गुनाह हमें लेने पड़ेंगे, तो फिर ये अब मर्जी ऑप्शन हमारे लिए, हम चाहें जो चाहे कर लें। फिर अल्लाह ताला ने अगला पॉइंट बताया, नंबर 8 ये है कि आप ठीक पैमाने से दीजिएगा और पूरा भर कर दीजिएगा, और जब वजन तोल लें तो ठीक तराजू से तोलिएगा, यही बेहतर है और अंजाम के लिहाज से भी यही अच्छा तरीका है। तो ये देखें, कोई चाहे प्रोडक्ट्स हो तो तब भी आप सही तरह से जितनी सही तरीके से कैलकुलेट करके और उसको देख के दें, और इसके साथ साथ फिर आजकल के ज़माने में सर्विसेज ज़्यादा कॉमन है, तो सर्विस भी अच्छी क्वालिटी की वैसी ही दें जैसी आपका उनसे एग्रीमेंट हुआ है, और वही दें। नंबर 9 में फरमाया, आप इस चीज़ के पीछे ना पड़िएगा जिसे आप जानते नहीं, इसलिए कि कान आँख दिल इन सब की परसिश होनी है, इसकी रीचेकिंग होनी है, आपके कान आँख दिल इनमें से कोई चीज़ जो आपको अभी कंफ्यूजन है, तो अगर आपको कोई लगे यार ये नेकी है कि बुराई है, तो फिर उसे बच जाए,
एक हदीस में ये भी आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये रोका कि मशकूक चीजों से आप फिर बचें, हो सकता है इंसान बुराई की तरफ चला जाए, तो इसलिए बचें उससे। और 10th कमांडमेंट्स का जो 10वां हुक्म ये आया कि जमीन में अकड़ कर ना चलिएगा, इसलिए कि ना आप जमीन को फाड़ सकते हैं ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हैं। इन सब बातों की बुराई आपके रब के नजदीक सख्त नापसंदीदा है। तो ये कंफर्म कर दिया कि ये इसको तकब्बुर कहते हैं कि अपने आप को दूसरे इंसानों के निस्बत अपने आप को आला और बेहतर समझना, और उसके लिए फिर जाहिर है उसके लिए आदमी फिर कई तरीके दिखाता अपने आप को, तो इसको अल्लाह ताला ने रोक दिया। ये सबसे टॉप गुनाहों में से एक ही है। फिर फरमाया ये इन्हीं हिकमत ये इस विजडम के अहकाम है जो आपके रब ने आपकी तरफ वही की है, इन्हें मजबूती से पकड़ लीजिए और एक मरतबा फिर सुन लीजिए कि अल्लाह ताला के साथ किसी और को खुदा ना बना दीजिएगा कि रांदा दरगाह और मलामत ज़दा होकर जहन्नम में डाल दिया जाए। तो ये फिर हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो ये देखिए यही 10 कमांडमेंट्स है, इसी की डिटेल इम्प्लीकेशंस या हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन की कि ये जिसकी बहुत सी हदीसें आप अभी सुन चुके हैं और मजीद भी आ रही हैं, तो इससे आप सोच लें कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो हरकत हमने कभी की हो। अब अगली हदीस में देखते हैं, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूसरे शख्स की तारीफ की तो आपने फरमाया अफसोस भी आपने इन्हें तो इनकी अपने साथी की गर्दन काट दी, आपने अपने गए अपने साथी की गर्दन ही काट दी, आपने दो बार फरमाया। कई मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया और फिर फरमाया कि अगर किसी के लिए अपने किसी भाई की तारीफ करनी ज़रूरी हो जाए तो यूं कीजिएगा कि मैं फलां शख्स को ऐसा समझता हूँ, आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता भी, मैं अल्लाह ताला के सामने किसी और कमज़ोरी को बेऐब नहीं कह सकता, इन्हें अल्लाह ताला में कोई कमज़ोरी नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो ऐसा है और इसका हाल वो बेहतर जानता है। यानी आपने अगर किसी अपने भाई की तारीफ करनी है किसी दोस्त की तो तारीफ करें, लेकिन क्या अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म ज़्यादा है, ये भी सच है। यानी उसमें ये क्यों इसको फरमाया गया गर्दन काट दी, वो इसमें होता यही है कि अगर अगले की तारीफ ज़्यादा ही की जा रही है ना तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो अगले में तकब्बुर आ जाता है, और तकब्बुर आता है तो वो अपने आप को बड़ी आला शख्सियत समझता है, और समझता है तो फिर वो लोगों को हकीर समझता है, और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो फिर खुद जहन्नम में चला जाता है, तो एक तरह की गर्दन ही काट दी ना उसकी, तो ये ना करें, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। फिर अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आनी, आनी का मतलब यानी कैदी को छुड़ाया करें, भूखे को खिलाया करें और बीमार की इयादत किया करें। क्या अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला को, अच्छा हर सहाबी को, वो खास तौर पे उनके मुतालिक जो जो भी मामला होते रहे ना तो उनको ऐसे फरमाते गए, और भी थे तो जैसे अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला को लगता है कि फाइनेंशियली बड़े स्टेबल थे, उन्होंने फरमाया भी आप कैदी को आज़ाद कराया करें। अब कैदी उस जमाने में क्या होते कि वो गुलाम बन जाते थे, तो गुलामी के खात्मे को इसे कम किया। फिर भूखे को खाना खिलाया करें और बीमार जो भी हो तो इसकी आदत भी किया करें, जाया करें, जो भी बीमार हो जाए आपका भाई दोस्त कुलीग। अब मदीना मुनव्वरा में की आबादी बहुत छोटी सी थी कि उस टाइम कोई 1000-2000 फैमिलीज ही थी, तो इसलिए सभी एक दूसरे को जानते होते थे, तो इसलिए उनकी आदत भी किया करें। आदत का फिर ये फायदा होता है, एक तो आदमी साइकोलॉजिकली वो ज़रा मजबूत हो जाती हालत, और दूसरा ये कि एक आदमी को कोई ना कोई टोटका आता हो तो चलो वो शेयर भी कर देगा कि भाई ये इस तरह कर लें तो इंशाल्लाह ये ठीक हो सकता, तो ये कर लिया कर। तो जनाब ये हमें स्पेशल गुनाहों से भी रोका और निकियां भी बताई कि ये करें। अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तीन तरह के लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला इनसे बात भी नहीं करेगा, ना इनकी तरफ नज़र उठाकर देखेगा और ना इन्हें पाक करेगा, बल्कि इन्हें सख्त दर्दनाक अज़ाब होगा। अब आप देखें वो जो 10 कमांडमेंट्स
कुरान में आप पढ़ चुके हैं, जो तौरात में वही हदीस में आपको आती है। फरमाया एक वो शख्स जो सफर में जरूरत से ज्यादा पानी लिए जा रहा है और किसी मुसाफिर को जिसे जरूरत हो इसे पानी ना दे। दूसरा वो शख्स है जो किसी हुक्मरान से बैत कर ले, उसे मुआहदा कर ले और सिर्फ दुनिया के लिए मुआहदा करे कि जिससे इसने बैत की नीयत यही रही कि अगर वो इसका मकसद पूरा कर दे तो ये भी वफादारी से काम लेगा, वरना इसके साथ बैत व अहद के खिलाफ करेगा, यानी मुआहदे के उल्ट कुछ करेगा। यानी हुक्मरान से आप जो भी मुआहदा कर रहे के तो फिर उनके साथ आप वफादारी ही रखें, उसके खिलाफ बगावत ना करें। और तीसरा फरमाया कि वो शख्स जो किसी से असर के बाद किसी सामान का भाव करे और अल्लाह की कसम खा के कहे कि इसे इसकी इतनी कीमत मिल रही थी और खरीदार इस सामान को इसकी कसम की वजह से ले ले, हालांकि वो झूठा, तो ये एक तरह का फ्रॉड की एक एग्जाम्पल दी गई। तो देखिए 10 कमांडमेंट्स की ये 3 मिसालें दी गई, यानी अगले की हेल्प ना करना, वो ये ना अब सफर में सहरा में पानी का मसला होता है तो वो अब पानी नहीं मिल रहा और उसको पानी ना दे आपके पास है, फिर बगावत जो है इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, और तीसरा ये कि किसी के साथ फ्रॉड करके और प्राइस ज्यादा लेना। और इसी की वो पहले कदीस पढ़ चुके हैं, उसके लिए लोग ये हरकत भी करते रहे, अभी भी करते हैं कि वो अपनी प्राइस की बढ़ाने के लिए एक प्रोपेगंडा करते हैं, इसे रोका। अगली हदीसों में ये भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले किताब की इन मजहबी अहदीस में ना तस्दीक करें, यानी एंडोर्समेंट ना कीजिए, और ना ही तकजीब करें कि रिजेक्शन भी ना करें, बल्कि ये कह लिया करें कि अल्लाह ताला पर और जो कुछ किताबें उस रब ने नाजिल की हैं इस पर हम ईमान लाएं। अच्छा, अब ये मजहबी अहदीस जो अहले किताब की हैं ये बहुत सारी आपको खुद बाइबल के अंदर मिलेंगी, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया ना तो अच्छा अगर तो ये बात कंफर्म है ना कि वह ऐन कुरान के ऐन मुताबिक है तो फिर तो माने, फिर तो अल्लाह ही का हुक्म हुआ, और अगर उसमें इसके अगेंस्ट है तब समझ लें कि वाकई ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये लोगों ने झूठी हदीस है, ये तो उनकी बात है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरमियानी लेवल की सिनेरियो में बताया कि ना तो उसकी आप कबूल करें और ना ही इसको रिजेक्ट करें, बल्कि कहें भी अल्लाह ताला और उसकी किताब इस पर हम बस ईमान रखते हैं, बस इतनी बात कहें, और इसमें फिर ये कि अहले किताब के साथ कोई मुनाजरा और कोई बहसें वो ना करें उनसे, मुराद ये। तो ये तरीका है, ये आजकल यूट्यूब में आपको नजर आएंगी कि लोग फिर भी इसी तरह के मुनाजरे कर रहे हैं, इससे हमें बचना है भाई। मैं नहीं कहता कि कौन कर रहा है, तो अगर मैं आपको नजर आऊं कि मैं ऐसी हरकत कर रहा हूं तो प्लीज मुझे बता दे, मैं उसको डिलीट कर दूं उसे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसम इसलिए खाता है ताकि इसके जरिए किसी का माल नाजायज तौर पर हजम कर जाए तो वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला इस पर गजबनाक होगा। गजबनाक का मतलब कि बहुत ज्यादा गुस्से में होगा फिर अल्लाह ताला। अगर किसी को ये वही फ्रॉड ही की एक एग्जांपल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि कसम खा के अल्लाह के नाम पे और वो अगले के फ्रॉड करना, ये वो है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इंसान की बदन के 360 जोड़ों में से हर जोड़ पर हर इस दिन का सदका वाजिब है जिसमें सूरज तुलू होता है और लोगों के दरमियान इंसाफ करना भी एक सदका है। अब ये 360 जोड़े कौन से हैं, जोड़ कौन से हैं, ये आप अपनी बॉडी के आप खुद गूगल में आप सर्च कर लें आपको मिल जाएगी। अच्छा, वो 360 का ये मतलब नहीं है कि वो एग्जैक्ट 360 है, इससे ज्यादा या कम भी होंगे, जो भी यानी मुराद यही है कि जितने भी जोड़ हैं इंसान के जिस्म में तो इसका सदका यही है कि आप इसमें नेकी करें और लोगों की हेल्प करें, बस ये सदका आप पे। सदका का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही है। यानी आप देखें कि हम अपने जिस्म के जरिए क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं,
रोजा रखते हैं। फाइनेंशियली अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया है इसमें से हम जकात देते हैं, ये तो मिनिमम है जो देनी, उससे ज्यादा हम सदका भी देते हैं लोगों की। अच्छा फाइनेंशियली हम नहीं कुछ कर पा रहे तो लोगों की कुछ खिदमत कर लेते हैं, तो ये सब चीजें आपके बेनिफिट के वो आ जाते हैं। और कभी अल्लाह ताला इस दुनिया में भी फायदा दे देता है और आखिरत में तो कंफर्म गारंटी है जन्नत की। अच्छा फिर अगली हदीसें भी देख लेते हैं, इसी की एग्जांपल्स हैं। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से कि एक सहाबी लाहक बिन जुमैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज किया कि एक शख्स गनीमत हासिल करने के लिए जंग में शिरकत करता है, एक शख्स नामवरी के लिए जंग में शिरकत करता है, यानी ताकि मशहूर हो जाए कि बड़ा बहुत बहादुर आदमी है, एक शख्स में शिरकत करता है ताकि इसकी बहादुरी की धाक बैठ जाए, तो इनमें से अल्लाह ताला के रास्ते में कौन शख्स जिहाद करता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस इरादा से जंग में शरीक होता है ताकि अल्लाह ताला का कलमा बुलंद रहे, सिर्फ वही अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करता है, बाकी आदमी वो जिहाद नहीं कर रहे, वो सब फ्रॉड ही कर रहे। अच्छा ये जंग की मिसाल थी, एक साहबी ने पूछा बता दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सेम वही चीज़ है कि आप दीनी खिदमत कुछ कर रहे हैं, आप कुछ दीन की एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, कुछ आप दावत पहुंचा रहे हैं। बहुत से भाई बहन फेसबुक के जरिए यूट्यूब के जरिए दीन का मैसेज को पहुंचा रहे होते हैं, तो अगर उनके मकसद ये है कि जनाब हम एक बड़े नामवर और बड़े स्कॉलर बन के आ जाए, अगर ये नियत है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ अल्लाह ताला के कलमा बुलंद करने के लिए, अल्लाह ताला के अहकामात को वाजे करने के लिए आप कर रहे हैं तो फिर ही आपका जिहाद है, ये उसमें भी है और जंग में भी यही मामला। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाह आपसे पनाह मांगता हूँ आजजी और सुस्ती से, बुजदिली और बुढ़ापे के जलील हदूद में पहुंच जाने से, मैं आपसे पनाह मांगता हूँ जिंदगी और मौत के फितनों से, और मैं आपसे पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से। देखिए कितनी प्यारी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखा दिया, अल्लाह मैंनी औज़ुबिका मिनल अज्ज़ी वल कसली वल जिबनी वल हरमी वऔज़ुबिका मिन फितनतिल महया वल ममात वऔज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, कि ताकि हम अजाब से भी हम बचें, अल्लाह ताला से मांगते जाएं, और आजी सुस्ती से भी, बुजदिली हमें आ सकती है हमें भी, और बुढ़ापे में भी एक्सट्रीम हालत हो जाती है कि आदमी बेचारा किसी काबिल नहीं हो पा रहा था, तो मुझसे भी अल्लाह से पनाह मांगे ताकि वो होने से पहले ही हमारी मौत आ जाए। और फिर मौत में भी फरमाया जिंदगी मौत के फितनों में, यानी फितने क्या है कि जिसमें हम दीन के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो, तो इससे भी हम अल्लाह से पनाह मांगे ताकि हम अल्लाह ताला हमें अजाब से बचा जाए, बस ये मकसद है। अब आखिरी हदीस हकीम बिन हजाम रज़ियल्लाहु अन्हु से। अच्छा हकीम रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान तो बहुत अरसे बाद वो आए थे, गालबन फतह मक्का के मौके पे ईमान लाए थे, लेकिन उससे पहले भी ये बहुत नेक आदमी थे कि जिस वक्त वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी फैमिली पे बायकॉट किया गया था और इनको कोई उनको सेल करने को तैयार नहीं था, तो हकीम बिन हजाम रज़ियल्लाहु अन्हु भी ईमान नहीं लाए थे, लेकिन वो उस वक्त भी खाना और इस तरह की चीज़ें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली को वो पहुंचाया करते थे। तो ये देखिए उनकी नीयत दुरुस्त थी तभी वो ईमान लाए थे। तो अब वो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ माल दिरहम या दिनार मांगे, कुछ कैश मांगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमा दिया और फरमाया हकीम ये माल देखने में सरसब्ज में बहुत मीठा और मज़ेदार है, लेकिन जो शख्स इस दिल की लालच के बगैर ले तो इसे माल में बड़ी बरकत होती है। हाँ जो शख्स इस लालच और हरस, यानी वो भी लालच की शक्ल है, इसके साथ ले तो इसके माल में बरकत नहीं होती, बल्कि इसकी मिसाल उस शख्स जैसी होती है जो खाए जाता है लेकिन इसका पेट नहीं भरता और ऊपर का हाथ देने वाला नीचे वाले के हाथ लेने वाले से बेहतर है।
अब जाहिर है कि हकीम रज़ी अल्लाह तआला को कैश का मसला था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा अपने दिए और फिर एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हकीम रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह, आपके बाद अब मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा, यहाँ तक कि इस दुनिया से मैं चला जाऊँ। अब इसके रिजल्ट उन पर क्या हुआ, चुनाचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत में वो इन्हें देने के लिए बुलाते थे, लेकिन वो इसमें एक पैसा भी लेने से इनकार करते थे। इसी तरह उमर रज़ी अल्लाह तआला अपनी खिलाफत में इन्हें देने के लिए बुलाते थे तो तब भी ये इनकार कर देते थे। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इसमें कहा कि भी अहले ईमान, मैं इन्हें इनका हक देता हूँ, जो अल्लाह तआला ने हुकूमत के माल से इनका हिस्सा इनको तय किया है, लेकिन ये इसे भी कबूल नहीं कर रहे। हकीम बिन हजाम रज़ी अल्लाह तआला की वफात हो गई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने किसी से कोई चीज नहीं ली। अब ये देखें कि ये अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला उनको क्या देते थे, ये सैलरी थी उनकी जो उनको मिलनी थी। हकीम रज़ी अल्लाह तआला वो भी नहीं लेते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भी मैं मांगू नहीं। अब देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया था कि आपको अगर मांगे बगैर आपको मिल जाए तो बड़ी बरकत है, लेकिन हकीम रज़ी अल्लाह तआला ने तो इससे भी ज्यादा एहतियात की कि उन्होंने वो फिर भी उनको जो मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं ले रहे थे। तो देखिए उनका एटीट्यूड भी देख लें, अपना भी हम देख लें, हम क्या करते हैं और क्या नहीं कर रहे। तो जनाब यहाँ पे ये डिस्कशन मुकम्मल होती है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, जज़ाकल्लाह खैर वक्तन अल जज़ा। जो सवाल आता मिला तकल्लुफ पूछ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।